हेलो वाइस, मैं राकेश मिश्रा 11th क्लास की केमिस्ट्री के लिए साम्य अवस्था जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा नाम इसका है इक्विलिब्रियम साम्य। दो प्रकार की होती है, भौतिक साम्यवस्था, रासायनिक साम्यवस्था। मौखिक रूप से हम आपको बता दें कि भौतिक साम्यवस्था से रसायन में कोई ज्यादा दूर मतलब नहीं रहता, मुख्य रहती है रासायनिक साम्यवस्था। तो दोस्तों, रासायनिक साम्यवस्था के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले दो वीडियो मिलेंगे, उसमें साम्यवस्था समझ लीजिए आप। उसके बाद केपी और केसी का निर्माण, के क्या है, साम्य स्थिरांक, उसका हेडिंग है द्रव अनुपात क्रिया का नियम। उसके बाद इस तीसरे वीडियो पर आप आएंगे तो आपको गारंटेड एब्सोल्युटली आपको पूरा समझ में आने वाला है ये डेरिवेशन है और साम्य स्थिरांक में संबंध है। साम्य स्थिरांक एक्चुअली दो प्रकार के हैं, केपी और केसी। तो हम आपको यहां पे बताएंगे इस डेरिवेशन के अंदर, पी माने पार्शियल प्रेशर और सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है गैस नियतांक, गैस अवस्था पढ़ी आपने, टी क्या है परम ताप और डेल एन क्या है गैसीय अणुओं की संख्या में परिवर्तन। तो ये सभी तमाम चीजें हमने आपको बताई और इनको अब विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे साथ आप लगातार देखते रहिए। इसको हम सिद्ध करते हैं, इसकी हम उत्पत्ति करने वाले हैं। वाइस केपी और केसी में क्या संबंध है, रासायनिक क्रिया माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो यहां पर हम एक उत्क्रमणीय क्रिया लिखने वाले हैं, उसको हम दिखा रहे हैं आपको, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। ये जो क्रिया लिखी है एक उत्क्रमणीय है। अब उत्क्रमणीय के बारे में आप जान लीजिए, ये होती है अग्रदिशा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाईं तरफ के अणु क्रिया कारक है और ये है क्रिया फल या उत्पाद प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। तो बता दें आपको हम दोस्तों कि जब ए बी सी डी में बदलते हैं तो उसे हम अग्रदिशा कहते हैं, जब सी डी उत्पाद वापस आते हैं तो उसे क्या कहते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं आगे कि यहां पर एक अणु है, अभी कुछ नहीं लिखा, मतलब एक मैथमेटिकल जानते हैं आप, लेकिन हमने यहां लिख दिया है M1, M2। किसके अणु है, A के M1 है और B के M2 है, N1, N2 ये CD के अणु है। भाई इसका मान ऐसे समझ सकते, देखिए इसका हम एक उदाहरण देके आपको बता देते हैं। मान लो ये लिख दिया अपन ने, ये हमने एक उत्क्रमण की यहां पे लिख दी है, तो यहां पर n1 n2 का मान कहां से लेंगे आप बता सकते, यहां एक है मतलब m1 का मान है सीधी बात और यहां m2 का कितना है तीन, बात समझ में आ रही है। और यहां उत्पाद तो एक ही है, उसका दो है, तो m1 m2 क्रिया कारक के अणु है, n1 n2 उत्पाद के अणु। हम शुरू करते हैं अग्रदशा और पश्च दशा में जो संबंध बताने वाला हमारा डेरिवेशन है साम्य स्थिरांक में, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए तेजी से, अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए आपको लिए चलते हैं एक नियम पर, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ला ऑफ मास एक्शन। इसका नाम क्या है, ला ऑफ मास एक्शन। ये देखिए, इससे क्या करते हैं, इससे हम आपको बताने वाले हैं कि हम बनाएंगे आपको केसी। अब केसी हम आपको कह रहे हैं साम्य स्थिरांक है, कैसे बनाते हैं केसी इसकी जानकारी है, उत्पाद रहते हैं उसको यहां लिखते हैं सी और डी। क्लियर बात, उत्पाद में हम लगाएंगे सांद्रता, ये देख लीजिए आप, उत्पाद में क्या लगाएंगे हम सांद्रता। अब हम दोस्तों को बता, सांद्रता माने बड़ा कोष्टक, ये आप ध्यान रखिए, सांद्रता माने बड़ा ब्रैकेट। नीचे क्या लगाएंगे, ए बी, ए बी क्या है क्रिया कारक,
एक ही सांद्रता, बीच में किसका निशान है? मल्टीप्लिकेशन का निशान है, गुणा का निशान है। इसमें कुछ कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है? जो सामने अणु लिखे हैं ना, इनकी घात लगाएंगे। कितने की घात? M1 की C पर लगाएंगे, सॉरी यहां N1 की C पर लगाएंगे और N2 की D पर लगाएंगे। M1 की इस पर लगाएंगे, M2 की यहां, ये घात लगाएंगे और इसको तेजी से दे देंगे समीकरण एक। हमने बना लिया है KC, जैसा मैंने इसका बनाना है तो इसका भी हमने आपको बनाना सिखाया है, लास्ट वीडियो जरूर आप देख लें, लेकिन हम यहां दोबारा बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट की सांद्रता है, कितने की घात लगेगी? 2 की। और यहां क्रियाकारक कौन है? N2 और H2 को। N2 पर कितने की घात? 1 की। H2 पर कितने की? 3 की। 13 बार करते जा रहे हैं। अब हम आगे बनाते हैं, के बना लिया हमने, अब हम बनाएंगे KP। KC बना लिया, KP। बड़े कोष्ठक का मतलब जैसा हमने बताया था, बड़े कोष्ठक का मतलब होता है सांद्रता, ठीक है बात। अब यहां पर दूसरी बात ले रहे हैं हम, पी ले रहे हैं। पी का हिंदी में बता दे रहे हैं क्या अर्थ है? आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर हिंदी में। ये देखिए कैसे बनाएंगे, देखते रहिए आप। PC PD अपॉन PA इंटू PB। ये क्या है? C अणु का आंशिक दाब इंटू D अणु का आंशिक दाब बटे A का आंशिक दाब गुणा B का। इनमें कमी रह गई है घात की, तो घात हम जो C पर लगी वही लगा। इसी पर कितने की लगी? N1 की, N2 की, M1 की, M2 की। घाते वही लगाना, तो P का मतलब समझ गए आंशिक दाब और बड़े कोष्ठक का मतलब समझ गए सांद्रता। तो इसको हम समीकरण 2 दे दे रहे, कोई परेशानी नहीं आना चाहिए आपको। 2 समीकरण हमने बना लिए हैं और अब इन समीकरणों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और तेजी से चलते हम चैप्टर नंबर, जो हमारा गैस अवस्था चैप्टर है, पदार्थ की अवस्थाएं, उस पर चलते हैं। उसकी हेल्प क्यों ले रहे? वहां से हमें इसलिए हेल्प लेना पड़ रही है कि वहां पर हमारा एक समीकरण है, उसका नाम है आदर्श गैस समीकरण। इसकी हेल्प लेना पड़ेगी। ये क्या होता है? ये है हमारा PB बराबर NRT। पी गैस का दाब, वी गैस का आयतन या वॉल्यूम, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, गैस सार्वत्रिक गैस नियतांक और टी टेम्परेचर अर्थात ताप। ये हमने जो है गैस अवस्था पदार्थ की अवस्थाओं से लिया है, 2 हमने डेरिवेशन बना लिए हैं और इसमें हम कुछ सुधार करना, देखिए आप क्या सुधार करने वाले हैं, यहीं पे आगे बढ़ा दे रहे हैं। हम ये सुधार कर रहे हैं कि यहां पर हमें मान बनाना है पी का, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कोई परेशानी नहीं, त्रिकोणा कर दिया आया सब में, बटे में कितना है? 1, तो बी को कहां लेगा? नीचे, तो एन के बटे में ये पहुंच गया और ये क्या बन गया? एन बटे वी बराबर सी। एन क्या है देखते जाइए, मूलों की संख्या। वी क्या है? आयतन, इकाई आयतन में मूलों की संख्या को क्या कहते हैं हम? इकाई आयतन में मूलों की संख्या को कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, पी बराबर CRT। आर क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। टी क्या है? परमताप। और सी क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन। तो आंशिक दाब बराबर सांद्रता गुणित आर गुणित टी। किसी भी अणु के ले सकते हैं, तो हम अपने अणुओं की बात कर रहे हैं। हमें अणु कितने हैं? 4, 2 क्रियाकारक, 2 उत्पाद। हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, देखिए PC बराबर CCRT, PD बराबर CDRT, PA बराबर CART और PB बराबर CBRT। ये क्या है देख लीजिए आप अच्छे से। यहां से लिए हमने किसी गैस का आंशिक दाब बराबर उसकी सांद्रता गुणित आरटी होता है, तो सी अणु का आंशिक दाब क्या होगा? सी अणु की सांद्रता गुणित आरटी।
डी अणु कौन सा दाब किसके बराबर होगा आप बताइए। डी अणु की सांद्रता बड़े तारटी, ए अणु का आंशिक दाब बराबर ए अणु की सांद्रता बड़े तारटी, ऐसे बी का। तो हम ये बना लिए, हमारे पास पीसीपीडी का एक समीकरण है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं समीकरण दो में मान रखने पर किसके मान मिले हैं पीसी का पीडी का, ये सभी मान इसमें रखते हैं, समीकरण दो हमारे सामने है। वॉइस क्लियर होता जा रहा है, यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करें आप ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम लगातार आपको वीडियो देंगे तो आपको भी फायदा होगा। ये सब देख लीजिए, इसको पीसी का मान क्या है यहां से दोस्तों उठा के रखेंगे सी सी आर टी। अच्छा घात कितने की लगी पीसी पर, एन वन की, तो इस पूरे पर एन वन की घात लग जाएगी, कोई परेशानी। फिर आगे बढ़ते हैं सी डी आर टी कितने की घात लगेगी, एन टू की। देखते जाइए कहीं कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बताइए। पी ए का मान क्या है सी ए आर टी, घात कितने की है एम वन की, और बी बी पर क्या है सी बी आर टी, घात कितने की है एम टू की। अब इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं तो हमें आसानी रहेगी, हम चाहते आसानी हो। सी सी पर एन वन की घात, सी डी पर एन टू की घात, अच्छा आर टी पर घातें अलग अलग है, आधार समान है तो आर टी पर इकट्ठी घात लगा दे रहे हैं, काहे की एन वन प्लस एन टू की। नीचे भी है वही प्रक्रिया करने वाले हैं, सी ए पर एम वन की घात, सी बी पर एन टू की घात, और आर टी पर कितने की घात लगाएं, आर टी पर लगा रहे एम वन प्लस एम टू की घात। इतना काम हमने कर लिया है, हमारा डेरिवेशन आगे बढ़ रहा है। पहले के सी बनाया किस नियम से, द्रव्यनुपाति, फिर के पी बनाया। वॉइस क्लियर समझ में आ रहा है, बड़े कोष्टक का मतलब जरूर याद रखें, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता जिसको हम सी भी लिख सकते हैं, पी का मतलब आंशिक दाब। तो ये के पी बना हमारा, अभी पूरा नहीं हुआ है तो यहां पर हम आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, सांद्रता और सक्रिय द्रव्यमान में क्या संबंध है, सक्रिय द्रव्यमान इस पाठ में पढ़ा, सांद्रता पिछले पाठ में, मतलब सीधी बात सांद्रता सी है और सक्रिय द्रव्यमान बड़ा कोष्टक है, दोनों का मतलब एक ही है केमिस्ट्री में, आपको हम बता दें। तो हम इसको फिर ऐसा लिखने जा रहे हैं, देखिए सी सी को हम लिख रहे हैं बड़े कोष्टक में सी, सी डी को हम लिख रहे हैं बड़े कोष्टक में डी, सी ए को लिख रहा है बड़े कोष्टक का ए मतलब सक्रिय द्रव्यमान, और सी बी को एक्टिव मास ऑफ बी। ये जो चार मान हमने बनाए हैं इसको हम कहां रखेंगे हमारे नए समीकरण में, तो हमारा समीकरण इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आता जा रहा है, तो अब इसको हम रखते हैं। तो हमारे यहां ये देखिए बड़े कोष्टक में सी पर एन वन की घात लगी है, यहां से देख सकते हैं आप, बड़े कोष्टक में डी पर एन टू की घात लगी है, आर टी पर कितने की घात लगी है एम वन प्लस एम टू की, बड़े कोष्टक में ए मतलब ए का सक्रिय द्रव्यमान एम वन की घात यहां से ले लिया, मैं ये चीज रख दी हमने, और सी बी का मान क्या है यहां से देख लीजिए आप, बी का सक्रिय द्रव्यमान एम टू की घात, और आर टी पर कितने की घात है आर टी पर है एन वन प्लस एम टू की, हाँ यहां पर जो है एन वन प्लस एन टू की घात है एक्चुअली, और यहां पर कहीं भी ले सकते हैं एन वन एन टू, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इतनी चीज आ गई, ये जो है कोई नई चीज आ गई, यह आ गया हमारा समीकरण एक। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण एक से, कैसल क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि हम इतनी राशि की जगह पे क्या रख दें जो समीकरण एक में रखा है अर्थात केसी, बाकी चीजें हम इकट्ठी कर ले रहे हैं। आर टी को हमने इकट्ठा कर लिया, बताइए एन वन प्लस एन टू और घातु पर जाएगी माइनस एम वन प्लस एम टू। तो हमारा डेरिवेशन बड़ा तेजी से आने वाला है, बिल्कुल पास में है, के पी बराबर के सी आर टी पर K
कितने की घात लग गई, आर डी पर एक डी लेन की घात। अब आपको डी लेन समझना अब जरूरी हो गया। प्रारंभ में डी लेन मैंने समझाया था लेकिन उतना क्लियर नहीं हुआ था जितना अब होने वाला है। तो देखिए एन वन प्लस एन टू माइनस एम वन प्लस एम टू। डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझ लें, इसके हम अभी बेस्ट एग्जांपल देने वाले हैं जिससे डेल एन का मान के पी कौन बड़ा कौन छोटा तमाम बातें। तो इसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्या दिखाना है आपको हमें। एन वन एन टू किसके अणु है, यहां पे देख लें आप, यहां उत्पाद के अणु, गैसीय उत्पाद के अणु माइनस गैसीय क्रियाकारक के अणु। क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैस देखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन आप एक बार रिवीट कर लें फिर हम इसको कंप्लीट करवाते हैं। अच्छी चीजें नॉलेज की चीजें, वीडियो कंप्लीट तो देखना ही पड़ेगा। देखिए इसके बगैर कोई संभव नहीं है, तेजी से आते हैं। एक उत्क्रमण अभिक्रिया है M1A, M2B, N1C, N2D। हमने कौन सा नियम लगाया, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम। लिंक में इसको आप देख लीजिए, लिंक में जो दिया हुआ है मैंने डिस्कशन के अंदर। KP बनाया, KC बनाया, उत्पाद की सक्रिय मान ऊपर लिए, संख्या को घात में लगाया, क्रिया कारक के नीचे लिए, संख्या को घात में लगाया। KP बनाया, आंशिक दाब PC, PD, PA घात लगाई। समीकरण दो, आदर्श गैस समीकरण लिया, PV बराबर NRT। यहां P का मान बनाया N बटे V, N बटे V क्या है, मोलों की संख्या बटे आयतन बराबर C हो गया। कहीं कोई डाउट, हम जानते हैं किसी गैस का आंशिक दाब बराबर CRT होता है, तो हमने चारों को वैसे कर दिए, PC CCRT, PD CDRT, PA PCRT कर सकते हैं बिल्कुल। और हमने ये PC PD चारों के मान समीकरण दो में रख दिए हैं, घाते अलग अलग कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। RT पर इकट्ठी घात लगा दी हम, देखिए N1 प्लस N2 की, ठीक है। अच्छा CC की जगह हमने C का संक्रमण मान लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है, D अणु का की सांद्रता, इसका मतलब क्या है, D अणु का सक्रिय द्रव्यमान, तो दोनों एक ही बात है ना, तो हम एक ही चीज है तो एक ही लिखेंगे। तो हमने CC लिख दिया, D अणु का एक्टिव मास, A का एक्टिव मास, B का एक्टिव मास पे घाते लगी, और इसको हमने KC बना लिया समीकरण एक की सहायता से। अब बचा N1 प्लस N2 जो गैसीय उत्पाद है माइनस गैसीय क्रिया जो डेल N का मान, ये हमारा सिद्ध हो गया, इट्स प्रूफ। इसमें दो पांच मिनट का काम इसमें और बचा है, तीन कंडीशन इसमें होती है, डेल N का मान क्या होगा एक्चुअली, तो इसके लिए हम चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों तीन कंडीशन आपको लेना है। फर्स्ट, डेल N जीरो है तो KP बराबर KC होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये इसको कहने के लिए हमारे पास आधार है, हमारे पास उदाहरण है, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस और HI गैस, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें डेल एन का मान हम निकाल के दिखाते हैं, सामने देखना कितना है, एक एक कितना हो गया दो, यहां कितना है दो, तो डेल एन का मान कैसे, दो उत्पाद के अणु ये दिख रहे हैं, यहां से लिए मैंने दो, देख सकते हैं आप यहां से लिए हुए थे, और यहां एक धन एक मतलब कितना जीरो, आप इसमें जीरो रख के देखिए, हमारे डेरिवेशन आया था के पी बराबर के सी, आर टी पर कितने यहां शून्य की, अरे यार किसी चीज पर शून्य की घात क्या होती है, किसी चीज पर शून्य की घात तो एक होती है, तो एक हो गया, ये दोनों क्या हो गए दोस्तों बराबर। ऐसे सभी समीकरण जिनमें गैसीय क्रिया कारक और गैसीय उत्पाद बराबर होंगे उनके लिए डेल एन का मान शून्य होगा, और यदि डेल एन का मान शून्य होता है तो क्या होगा, तो केपी किसी के बराबर होंगे। हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, देखो डेल एन का मान ऋणात्मक है, अब वाइस बता दें ऋणात्मक का मतलब होता है शून्य से छोटा,
डेलियन क्या है, शून्य से छोटा माने ऋणात्मक है, तो क्या होगा देखते हैं। आप बताइए, आपके सामने डेरिवेशन है, आप मैथ्स पढ़ते हैं, इसमें कौन सा निशान लगेगा अच्छे से समझ लो, इसका निशान बता दीजिए, आप कमेंट्स कर दीजिए हमें, हम बता रहे हैं आपको, हम बाद में बता रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए, आपको दो मिनट का समय दे रहे हैं, फिर हम आपको आंसर लगाएंगे। डेल एन ऋणात्मक है तो क्या हुआ, बी किसी में संबंध। चलिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, हेबर विधि ले रहे हैं अमोनिया निर्माण की, यह हेबर विधि कहलाती है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि डेल एन का मान निकाल के दिखा दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, दो उत्पाद कितने हैं, दो दिखा दे रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये दो, और क्रियाकारक कितने हैं, तीन हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन का, तो यहां माइनस लगाएंगे, और तीन धन एक मतलब चार, दो ऋण चार ऋण दो, डेल एन का मान ऋण आ गया। अब हम लगाते हैं Kp बराबर KcRT पर, कितने की घात, ऋण दो की, ऋण दो की तो यार बहुत बड़ी घात, तो हम ऐसा कर सकते हैं Kp बराबर KcRT को हम बटे में ले जा रहे भैया, बटे में क्यों ले जा रहे हैं, बटे में इसलिए ले जा रहे हैं कि हमें धन में घात करना है, ये लेगा बटे में, कोई दिक्कत, RT का स्क्वायर हो गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बात वही है, Kp बराबर KcRT का स्क्वायर, यहां पर निशान लगा लिया आप लोगों ने, अब देख लीजिए, यदि नहीं लगाया तो अब आपको समझ में आएगा। हमें ये बताएं आप, Kp और Kc के बीच बराबर का निशान लगा है, यार अपन जो तखरी देते हैं तोलने वाले, जो कांटा रहता है पुराना वाला, उसमें एक तरफ वजन रख, एक तरफ ने कुछ भी सब्जी या किराना रखा रहता है, तो बड़े ध्यान से हम कांटे को देखते हैं, बराबर का कांटा यही कांटा है, बराबर मतलब इक्वल, Kp अकेले किसी के बराबर नहीं है, Kp Kc के बराबर तभी है जब RT के स्क्वायर का भाग दिया गया है। यार किसी संख्या में हम इतनी बड़ी राशि का भाग दें तो इसका मतलब क्या, भाग हम चलो नहीं दे रहे, एक मिनट है, भाग नहीं दे रहे तो फिर क्या होगा, तो फिर तो ये होगा, देखो Kc इज वेरी ग्रेटर देन Kp, Kc क्या होगा, Kp से पक्का बड़ा होगा, बिल्कुल 100%। तो बात सीधी है कि हमने भाग इसलिए दिया कि हमें बराबर करना था, किसको, Kp और Kc को, हम भाग नहीं देते तो पक्का Kc इज ग्रेटर देन Kp, पक्का Kc से बड़ा होता। हम आते हैं तीसरी वाली कंडीशन पर, देखते रहिए यहां पे, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है हमारी है? इसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम, थर्ड कंडीशन है डेल एन का मान धनात्मक है तो क्या संबंध होगा Kp Kc में, उल्टा होना चाहिए, देखते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तीनों गैस हैं, यहां पे गैस नहीं लिखा है मैंने, आप गैस उसको समझ लीजिए, ये लिख दे रहे हैं, तीनों गैस अवस्था में, क्लोरीन गैस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गैस, तीनों गैस, आपको डेल एन का मान निकालना है, गिनकी निकालना है, अच्छा ध्यान से काउंट कर ले, कोई जल्दी नहीं है, वीडियो कंप्लीट देखते रहे, समझ में तो आपको आना ही है, एक और एक कितने हो गए, उत्पाद के अणु दो, माइनस लगाना है, दो माइनस एक क्या आया, प्लस एक, पीसीएल थ्री का एक अणु, क्लोरीन का एक अणु, अणु सामने लिखे रहते, यहां एक लिखा, यहां एक लिखा, दो हो गया उत्पाद के अणु, क्रियाकारक का एक हो गया, घटाया तो प्लस वन आया, बताइए Kp बराबर KcRT पर एक की घात आ गई, तो अब बताओ Kp Kc बराबर है कि नहीं, बराबर तो बिल्कुल नहीं है, फिर बड़ा है कि छोटा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा यार, छोटी सी कोई संख्या लेके हम आपको बताते हैं, देखो यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे करा देते हैं, मान लो ये लिखा हुआ है 8 और यहां लिखा है 4 × 2, इक्वल सही है, लेकिन हम 2 का इंटू नहीं कर रहे हैं, नहीं तो क्या इक्वल लग सकता, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 8 ग्रेटर देन 4, और इंटू लगा दिया तो ग्रेटर नहीं लग सकता, अब क्या लगेगा, इक्वल, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहां पर यही कंडीशन है, Kp बराबर नहीं है Kc के, बराबर किया गया है, कैसे बराबर किया है, अरे गुणा करके,
किसका गुणा किया? आरटी का। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते, जो सब करते वो हम नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर हम ये देखेंगे कि गुणा करने के बाद बराबर आएगी संख्या। इसका मतलब यदि गुणा नहीं करते तो क्या होता? तो के पी बड़ा होता किससे? केसी से। तो ये तीन कंडीशन है, डेल एन का मान शून्य है, के पी केसी बराबर है, डेल एन का मान ऋणात्मक है तो केसी बराबर है। जैसा आपने देखा कि डेल एन का मान ऋण दो था और ऋण दो को हम नीचे ले गए तो केसी का मतलब बड़ी संख्या को हमने भाग दे के बराबर किया, और यहां पर गुणा करके बराबर किया। तो किसी चीज में हम गुणा कर रहे हैं आरटी के का, तो इसका मतलब वो छोटी है। ये पक्का है, ये तीन कंडीशन है साम्यवस्था की और ये व्यंजक है। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा विश्वास करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और सभी अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सभी को शेयर करें। लगातार धमाकेदार वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू।